बच्चों, आज हम पहले पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि अंक क्या होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 10 है। संख्याएं जो शब्द हम प्रयोग करते हैं गणित में, वो अंकों से निर्मित होती हैं। संख्याओं का निर्माण कैसे होता है? संख्याओं के निर्माण के लिए हमें इनका स्थान निर्धारित करना पड़ता है। अंकों के स्थान निर्धारित होने के बाद संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे यहाँ आप देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये स्थान होते हैं। अब ये संख्या ऊपर लिखी हुई है तो इसमें हम इस सबसे अंत से प्रारंभ करेंगे और इसको हम कहते हैं इकाई का अंक। इसके बाद ढाई का अंक आता है, फिर सैकड़े का अंक आता है, फिर हजार का, 10,000 का, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये स्थान होते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इन स्थानों पर जब हम अंक रखते हैं तो संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे हम 26 लिख दें, जैसे 10 लिखा है, तो इस 10 में इकाई का अंक 0 है और ढाई का अंक 10 है, तो इससे हमारी संख्या का निर्माण हुआ जो 10 है। तो अंकों और संख्याओं में अंतर आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। अंक कुल 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और इन अंकों से ही दुनिया की सभी संख्याओं का निर्माण होता है। संख्याओं के प्रकार मुख्य रूप के आपकी कक्षा के हिसाब से संख्याएं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं, नेचुरल नंबर इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। ये नेचुरल प्राकृत हैं, प्राकृतिक रूप से हैं। इसका मतलब इन संख्याओं की उत्पत्ति भी प्राकृतिक रूप से हुई होगी। सबसे पहले हम संख्या ऐसी सीखते हैं, 1, 2, 3, तो ये प्राकृतिक संख्याएं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 4, 5, 6, वो अज्ञात है। आज तक ज्ञात नहीं हो पाई है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, क्योंकि आप जितनी भी बताएंगे, आप कहेंगे 5 करोड़ 50 लाख 525, मैं उसमें 1 जोड़ दूंगा। और आप प्राकृतिक संख्याओं में भी आप देखिए कि हर संख्या अगली संख्या से 1 बड़ी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, इसमें 1 जोड़ा 2 प्राप्त हो गई, 2 में 1 जोड़ा 3 प्राप्त हो गई, 3 में 1 जोड़ा 4 प्राप्त हो गई। तो हर क्रमागत प्राकृतिक संख्या में अंतर 1 होता है। प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जब 0 जोड़ लेते हैं तो वो संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। पूर्ण संख्याएं फिर कहाँ से शुरू होती हैं? 0, 1, 2, 3 आगे तक चलती जाएंगी। डैश का मतलब है कि आप गिनते जाइए जब तक गिन सकते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अज्ञात। पूर्ण संख्याओं के समूह को हम W से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम है पूर्ण संख्याओं का, होल नंबर। संख्या रेखा देख लेते हैं। संख्या रेखा में 0 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ संख्या रेखा में 1 से शुरू है। इसके बाद पूर्णांक, पूर्ण संख्याएँ और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का जो समूह है वो पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, हमने यहाँ लिखा नहीं है, इसलिए हम इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये तो हुई यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक पूर्ण संख्याएँ, और इन पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक वाली और जोड़ लें तो ऋणात्मक और धनात्मक को 0 मिला के पूरी ये संख्याएँ पूर्णांक कहलाती हैं। ये संख्या रेखा पर हम देखें, 0 से अधिक वाली संख्याएँ, ये आपकी 0 से अधिक वाली 1 से शुरू होंगी, ये प्राकृतिक संख्याएँ हैं। 0 को जोड़ लेंगे ये पूर्ण संख्याएँ हैं, और पूर्ण संख्याओं में अगर ये पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक संख्याएँ भी हम लिखें जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में बाएँ पक्ष में होती हैं, तो ये पूरी संख्या रेखा आपकी पूर्णांकों को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ है पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं जितनी भी हैं वो सब पूर्णांक हैं, प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं वो पूर्णांक।